वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है मेरा डे टू जामनगर और परम मित्र हमारे जो है गोल्डन बाबा फाइनली मिलने के लिए आ चुके हैं। केम छो गोल्डन बाबा? बस आनंद भाई, तो तुम जो सको बस मजा में है ना। तो गोल्डन बाबा छे अपना जामनगर ना फेमस ब्रांड छे, अने लास्ट हमारी मुलाकात थई थी दीव में, અમે મળ્યા હતા। तो તમે જો આજે ગોલ્ડન બાબા સાથે બહુ મસ્તી કરવાનો છું અને બહુ એમનો ઇન્ટરવ્યુ પણ લઈશ, કેવી રહી એમની લાઈફ સ્ટાઈલ વગેરે। અને ઘોડો લઈને આવ્યો છે આપણો? ના, આજે ઘોડો, આજે ઘોડો નથી લાવ્યો। તો તમે ટેન્શન ન લેતા, ઘોડો બોલે તો એ સંજુ બાબા વાળો તમને સમજી શકો હે ને। તો ચાલો પહેલા અમે બેસો ગોલ્ડન બાબા બેસો, તો ચા પાણી કરીશું પહેલા, બરોબર, પછી આપણે ટુ બી કન્ટિન્યુ। મિલ ગઈસ, બાબા આયા થે મિલને કે લીએ, બાબા થોડા જલ્દી મે આયા ગોલ્ડન બાબા, इनके क्या है अभी काम भारी है बाबा का। तो बाबा जो है अभी निकल रहे राजकोट के लिए, तो मैंने बोला थोड़ा रिक्वेस्ट चाय में, लेकिन बाबा को क्या अभी चाय में बिल्कुल घर से पी के आए, और बाबा थोड़ा क्या अभी डाइटिंग हुए, बाबा अभी थोड़ा पतला होना चाह रहे हैं। तो हमारे गोल्डन बाबा ये हमारे फेमस, मतलब मैंने मतलब नाम तो इनका, हमारे नाम क्या, राकेश परमार, राकेश भाई परमार है गोल्डन बाबा, मैंने नाम दिया। जैसे पप्पी लेरी जो थे ना बॉलीवुड में, पप्पी का, तो गोल्डन पहले थे, हम दीव में मिले थे तब मैंने इनको ब्रांड नेम दे दिया गोल्डन बाबा। तो मैं इनको गोल्डन बाबा नाम, मेरा मोबाइल में भी नाम गोल्डन बाबा। चलो बाबा, अभी इनको मैं ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, लेट नहीं करूंगा, क्योंकि इनको राजकोट में एक डील फाइनल करती है। ठीक है बाबा, मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक ये जय हिंद जय भारत। ठीक है, तो बाबा अभी जाए राजकोट, मैं आज यहाँ पे थोड़ा घूमूंगा, यहाँ पे जो बहुत अच्छी जगह है जामनगर वो घूमूंगा। जैसे कि आपने देखा सीन के अंदर काफ़ी ब्यूटीफुल नज़ारा था यहाँ का। अभी ये व्यू जो लिया, इसके बाद जो मैंने ये पेड़ का भी जो सीन लिया, उसमें आपने देखा काफ़ी मज़ेदार, मतलब पेड़ के अंदर जो कलर्स आ रहा था, इट्स सर वेरी ब्यूटीफुल। तो अभी समय हो चुके हैं, मात्र 5 से 10 मिनट बचे हैं, उसके अंदर मुझे जाना है। यहाँ पे लाइटिंग्स तो है, वो चालू होने वाला है। यहाँ पे टिकट जो काउंटर से खुल चुका है, वहाँ पे चलते हैं, सबसे पहले लेते हैं टिकट्स वहाँ पे। टिकट्स लेने के बाद जो लेज़र्स शो है वो देखते हैं, उसका भी आनंद लेते हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है लेज़र शो के अंदर। सीन आर वेरी अमेजिंग, इट्स अ जामनगर। फाइनली यहाँ पे टिकट स्टार्ट हो चुकी है, टिकट मैंने ले लिया है। भैया यहाँ पे बहुत अच्छी टिकट देते हैं, कैसे भैया? ठीक है, मुझे भी ना लेज़र शो की टिकट्स मैंने ले ली है। तो अभी थोड़ी देर में लेज़र शो चालू होगा, उसका देखने का मज़ा आएगा। लोसो आप भी बने रहेंगे हमारे साथ कंटिन्यूस। ये पूरा स्टेडियम बना, देख मैं यहाँ पे बैठने वाला हूँ ऊपर सेंटर। फाइनली गाइस, अभी जो मैं यहाँ से चेकआउट कर रहा हूँ, ये होटल में जो ठहरा था हारमोनी के अंदर, जो कि जामनगर के अंदर, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने बैग वैग ले लिया, टिकटॉक वाला, और मेरा जो ये वाला बैग है ये भी मैंने ले लिया है। तो चलिए काउंटर पे देखते हैं कि बिल कितने का पड़ा है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कितने का बिल पड़ा है 2 दिन के अंदर। तो चलिए बिल भी देख लेते हैं, और बेस्ट होटल आप लोग यहाँ पे आइएगा, रुकिएगा। अभी जो है मैं यहाँ पे काउंटर पे देख लेते हैं कि बिल जो है कितने का पड़ा है, बिल ले लेते हैं, और उसके बाद में जो है आगे की ओर पसंद करते हैं। तो ये है यहाँ का रिसेप्शन। तो कितने का बिल हुआ भैया अपना? सर कितना बिल हुआ आपका? बिल बता देता हूँ, उसे काहे को चिल्ला रहा है? स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। बिल बता देते हैं, वो भी थोड़ा शर्मा गए यार बिल यार। वैसे विजय माल्या की तरह अपना बिल बड़ा ही बना होगा दोस्तों, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है ना। तो विजय माल्या लंदन में ऐसा आराम कर रहा है, जे के मतलब यहाँ पे जामनगर में एंजॉय कर रहा है, एंजॉय मतलब काम से आया था, और उसके साथ में घूमना फिरना भी हो गया। तो चलिए अभी यहाँ से मैं चेकआउट कर लिया फाइनली मैंने, और अभी मैं यहाँ से जाने वाला हूँ धोराजी। वहाँ पे मेरा जो न्यूज़ चैनल है SG न्यूज़, उसका लाइसेंस मुझे रिन्यू करवाना है, वो करवाऊँगा। उसके बाद में हम जाने वाले हैं यहाँ से पोरबंदर, यहाँ से जामनगर टू धोराजी, धोराजी टू पोरबंदर। और वहाँ पे मैं लगभग मौका मिला था 2-3 दिन समुंदर के बीच में रहने वाला हूँ, वो भी मच्छी मार लोगों के साथ में जो मछली पकड़ते हैं, तो उनका जीवन कैसा है वो मैं आपको बताऊंगा आगे। सो फाइनली गाइज, मैंने गूगल्स ऊपर चढ़ा दिए, और जो बिल बना है मेरा वो विदाउट विद GST यार 2000, मतलब 2000 रुपये का मेरा बिल यहाँ पे फट चुका है ऑलरेडी। लेकिन पैसे ज़्यादा लगे उसका मानना नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैं दिल से फिर से बताना चाहूँगा, जो मैंने आपको वीडियो में आगे भी बताया कि भाई आप लोग कहीं पर भी रुकने जाओ, प्लीज़ ओयो फोयो है ना उसके चक्कर में मत रहिएगा। ओयो फोयो जो दिखाते हैं ना वो होता नहीं है एक्चुअली में। मैंने जब मैं अहमदाबाद से निकला था ना, तो मैंने जामनगर के काफ़ी सारे होटल्स मैंने देखे थे, दिखने में काफ़ी खूबसूरत, वहाँ पे फ़ोटो चढ़ा लेते थे, लाइव हम देखने जाते हैं ना
वैसा होटल का रूम बिल्कुल नहीं होता, मुझे बहुत गुस्सा आता है ऐसे होटलों पे। लेकिन यहाँ पे होटल हारमोनी के अंदर मैंने ये लगभग मैंने जामनगर के अंदर ये मेरा आठवां या नवां होटल होगा जो मैंने लाइव देखा, उसके बाद मैंने इसको बुक कराया। होटल मेरी नज़र में काफ़ी खूबसूरत है, यहाँ का सर्विसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ के जो लोग बंदे यहाँ पे काम करते हैं उनका बिहेवियर इट्स अ वेरी गुड बिहेवियर। दो दिन से मैं इस रूम 0103 के अंदर ठहरा था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मुझे यहाँ की सर्विस अच्छी लगी, जो दिल से अच्छा लगा वही बताया। और चेकआउट कर लिया, अभी मैंने लिफ्ट का बटन दबा दिया है, पॉइंट जीरो पे है और अभी थर्ड फ्लोर पर लिफ्ट आएगी। लिफ्ट पर बैठ के मैं सीधा जाऊँगा नीचे, नीचे एक लॉन्ड्री है, नीचे एक लॉन्ड्री है और एक फ़ोन आ चुका है, जय भाई का कॉल है दुबई से, दुबई बोला अहमदाबाद में ऑफिस है उनका और दुबई का इनका काम काज है। चलिए इनसे बात कर लेते क्या बोलना चाह रहे हैं। और यहाँ पे लिफ्ट खुल चुकी है, क्यों चल दादा मजा हुआ ना, तो मजा हुआ हमारा हमारा गुजराती में अच्छा है, मतलब क्या मतलब कैसे हो तो यहाँ पे गुजराती बोलते हैं केम छो मजा हुआ ना, मजा हुआ। चलो आपने पर मजा हुआ, आपने लिफ्ट में बेसी जाइए अने नीचे मड़िए आपने तो दो। सो फाइनली गाइस मैं जो हूँ लिफ्ट में बैठ चुका हूँ और अभी मैं लिफ्ट में बैठ के सीधे जा रहा हूँ नीचे ग्राउंड फ्लोर पर, वहाँ से जो है शर्ट प्रेस कर रहा हूँ। जब भी मैं आया था यहाँ पे लॉन्ड्री के अंदर जो कि आपको नज़र आ रही है, दिस इज़ फॉर ऑल लॉन्ड्री फॉर जामनगर, तो यहाँ पे मैंने जो है मेरा एक शर्ट था जो ब्लू कलर वाला वो मैंने प्रेस करवा दिया, यानी कि इनका लंच टाइम था तो बिल्कुल मना कर रहे थे। तो नाम क्या है लॉन्ड्री का मैं आपको बता देता हूँ, स्वदेशी लॉन्ड्री है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे भैया है जिन्होंने मेरा शर्ट फाइनली जो है प्रेस कर दिया है, तो मैंने बैग के अंदर डाल दिया। अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से सीधा बस स्टैंड पर और वहाँ से मुझे सीधा धोराजी की बस में बैठना है। सो चलिए मिलते हैं सीधा धोराजी बस स्टैंड पर, जामनगर बस स्टैंड पे धोराजी के लिए। अरे मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं जो एकदम पुराने ज़माने के बने हुए हैं, एकदम लकड़ी के दरवाजे, ठीक है, स्वदेशी लॉन्ड्रीज फ्रॉम जामनगर। तो देखिए लकड़ी का दरवाज़ा, ये मैंने बचपन में बहुत खोले हमारे गांव जब बचपन छोटे थे ना, ये खुल चुका है दरवाज़ा। और सामने खुद देखिए मार्केट का जो सीन है कुछ इस तरह का है। थैंक यू भैया है ना, बहुत अच्छा इन्होंने टाइम से बोला, वैसे इनका रेस्ट का टाइम का इनको मैंने डिस्कस किया, फिर कोई नहीं पहली बार आया था जामनगर, ठीक है। चलिए भैया है ओके भाई, अब यूट्यूबर है जी, यूट्यूबर्स कौन सा है? जेके मथुरा व्लॉग्स, जेके मथुरा, मेरा फोटो खींच लीजिए आप, ये नाम से है ओके, जेके मथुरा व्लॉग्स, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, आपका भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो ये दरवाजा फाइनली बंद हो चुका है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्वदेशी लॉन्ड्रीज, ठीक है, बहुत अच्छी लॉन्ड्री है। चलिए अभी मैंने यहाँ पे कपड़े प्रेस करवा लिए, अभी मैं मिलता हूँ सीधा आपको, हल्का फुल्का भूख भी लगा है मुझे यहाँ पे, तो मैं हल्का फुल्का कुछ नाश्ता कर लेता हूँ सबसे पहले तो, और उसके बाद सीधा जो है मैं आपको मिलता हूँ धोराजी का जो जामनगर का जो बस स्टैंड है वहाँ से, और वहाँ से मुझे धोराजी के लिए बस पकड़ना है। सो चलिए दोस्तों मिलते हैं सीधा बस स्टैंड पर। दादा है इनकी यहाँ पर आइसक्रीम की शॉप है, एक बार दोबारा फिर से मिल रहा हूँ, कल दोपहर को यहाँ से मैंने कुछ माल मसाला लेके गया था हालांकि, और आज मैं रिटर्न जा रहा हूँ, तो दादा बैठे थे, कैसे हो दादा, तभी बजे ना है दादा, मिलके इनके रिक्शा में बैठ रहा हूँ, किम चो दादा है ना, तो एसटी जो यहाँ का जो डिपो है रिक्शा, उसके लिए मैं फाइनली बैठ रहा हूँ रिक्शा के अंदर, मिलते हैं सीधा एसटी डिपो पे। रिक्शा काफ़ी प्यारा है, आप लोग कभी भी जामनगर आएंगे तो ये रिक्शा में ज़रूर बैठिएगा। रिक्शा जो है इस तरह से यहाँ पे देखिए एकदम ऑटोमेटिक है, दरवाज़ा खुलता है यहाँ का। तो अभी फाइनली गाइस मैं जो हूँ रिक्शा के अंदर बैठ चुका हूँ, ठीक है, जामनगर के अंदर, और रिक्शा में बैठ के गर्मी काफ़ी तेज़ है यहाँ पे, धूप बहुत तगड़ी लग रही है इस वक्त यहाँ पे, तो गर्मी बिल्कुल अहमदाबाद के बराबर, हालांकि समुद्र है यहाँ पे पास में, लेकिन समुद्र भी क्या उगड़ लेगा यार, गर्मी तो गर्मी है यहाँ की है ना। तो और फाइनली हमने जो मार्केट है यहाँ का देखिए इस तरह का मार्केट से यहाँ का, आगे जामनगर लाल बंगलोस एरियाज, काफ़ी सुंदर सिटी है जामनगर, बहुत ही प्यारी सिटी है, वैसे स्वच्छ है, काफ़ी सुंदर है। यहाँ पे एसटी बस स्टैंड पे जो कि आप देख पा रहे हो काफ़ी सारी एसटी की बसें खड़ी है, एसटी बस पे मैं आ चुका हूँ, अभी यहाँ से पकड़ता हूँ सीधे मैं धोराजी की बस। जी जी बिल्कुल लाइन पे हूँ मैं। तो फाइनली मैं यहाँ पे एसटी बस के अंदर बैठ चुका हूँ जो कि मैं जामनगर में हूँ इस वक्त, और अभी नाश्ता वास्ता करना बाकी, हालांकि कुछ पैकेज मैंने डाल दिए बैग के अंदर, तो भैया जो है टिकट बनाएंगे 19 नंबर है ना, तो ये कंडक्टर सर है यहाँ के, ठीक है ना,
तो 19 नंबर की सीट है फिलहाल, यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं है, टिकट मिलने की पूरी संभावना है। यहाँ पे भी रिजर्वेशन चलता है सरकारी बसों में, मुझे आज पता चला यहाँ पे इंडिया में। तो चलिए यहाँ पे जो टिकट मिलती है, अभी मुझे जाना वैसे 2-2.5 घंटे का सफ़र होता है करना है, धोराजी जाना है एक्चुअली में, धोराजी के बाद में फिर जो है अपना जो लाइसेंस है वो वगैरह। तो चलिए मिलते सीधे धोराजी के अंदर, वहाँ पे कुछ नाश्ता वास्ता, वैसे वहाँ का धोराजे का नाश्ता काफ़ी बेस्ट है, वो भी करेंगे। अभी सुबह में मॉर्निंग में जो हमने जामनगर का नाश्ता किया था, एक भाई साहब कैमरे में आ गए है, केम छो मजे में ना, तो अहियाँ गुजराती में आपने बोली है केम छो, तो लोगों कहे मजा मा मैंने है ना, मजा मा गुजराती में। तो काफ़ी बस यहाँ पे भर चुकी है, काफ़ी सारी सवारी बैठ चुकी है इस भारतीय संस्कृति, ठीक है ना। तो चले मड़ी आपने सीधा धोराजी में, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ओके, यहाँ पे जो है बस ने थोड़ा होल्ट लिया है, 30 मिनट का होल्ट है यहाँ पे। स्टैंड का नाम तो मुझे नहीं पता कौन सा बस स्टैंड है, लिखा हुआ यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बस स्टैंड काफ़ी प्यारा है, यहाँ पे एकदम शांति है और 10 मिनट का होल्ट है यहाँ पे। और श्याम जी भाई को मैंने कॉल कर दिया है मुझे कि अभी यहाँ से धोराजी मुझे 30 किलोमीटर पड़ेगा, तो देखते हैं यहाँ पर कुछ चाय वाला मिल जाए तो चाय वाय पी लेते, नहीं तो सीधा धोराजी में, वहाँ पर धोराजी की फेमस चाय पियेंगे। 30 मिनट का सफ़र और तय करना बाकी भी धोराजी के लिए, तो मिलते हैं सीधा धोराजी में। ये एक बार सा वगैरह है यहाँ के प्रॉपर लोकल बस स्टैंड है, यहाँ पे बिल्कुल भीड़ नहीं है, एकदम खाली है, पूरा शांत बस स्टैंड है यहाँ का।